लगा? कैसे देखते हैं कल के जामिया की घटना को और आज डीयू में भी सुबह लाठीचार्ज? क्यों मार देंगे, मर जाएंगे अपना काम? देखिए मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, जो ये हुकूमत है, ये जो जालिम हुक्मरान है, वो ये सोच ही नहीं रहे कि हमारा मुस्तकबिल, देश का मुस्तकबिल, हम उनको मार रहे हैं बेवजह। जो इस देश का एक मुस्तकबिल है, वो देश को पढ़ लिख के एक आगे राह पर लेकर चलेंगे। आप खुद बताइए उन बच्चों की क्या ऐसा गुनाह था जो उनके ऊपर इतना दुर्व्यवहार किया गया, उनके ऊपर जुल्म किया गया, मुझे बताइए। और रही बात, ये कह रहे हैं कि बच्चों ने पत्थरबाजी की, मेरा भाई कल वहाँ पे खुद लाठी चार्ज हुआ है उसके ऊपर, मैं जब गया था होली फैमिली में, उसके चोटें लगी हुई है वहाँ पर। आप बताइए, एक वो बच्चा पढ़ने आया इतनी दूर से, वो यहाँ पर दंगे फसादात करने आएगा? वो पढ़ने आया है शांतिपूर्वक। पुलिस का आरोप तो ऐसा कि छात्र उभर हुए, उन्होंने गाड़ियों में आग लगाई, बसों में आग लगाई। साफ तौर पर जाहिर है वहाँ की जो आवाम है, ओखला की जो आवाम है, वहाँ के लोगों ने खुद बताया है कि वहाँ पर पुलिस वालों ने गाड़ियों के अंदर, बसों के अंदर आग लगाई है। और आप कल का जो AMU का मुद्दा है, कल AMU के अंदर भी प्रोटेस्ट हुआ था, वहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है कि पुलिस वाले वहाँ के जो जाती लोगों की गाड़ियाँ है, उनको किस तरीके से तोड़ रही है। तो आप कैसे कह सकते हो कि पुलिस वालों ने ये नहीं किया? मुझे इस बात का जवाब दीजिए आप कि पुलिस वालों ने किया। और पुलिस तो सरासर झूठ बोल रही है, मेरे पास सबूत है। एक एडवोकेट ने उनको कॉल भी किया था कालकाजी वालों पे, कहा था कि कालकाजी में जामिया के सारे बच्चे वहाँ चले गए हैं। वहाँ पे एक एडवोकेट लेडी ने कॉल किया कि आप बताइए कि बच्चे कहाँ पर है, उन्होंने कहा मैं दिल्ली में हुई नहीं। सरासर झूठ बोल रहे हैं। क्या लगता है, छात्रों का आरोप है कि कैंपस के अंदर पुलिस गई है और हॉस्टलों में से निकाल के, मस्जिद से निकाल के बच्चों को ढूंढ ढूंढ के पीटा जा रहा है? देखिए सबसे एक चीज मैं बता देना चाह रहा हूँ, ये जो जाहिल हुक्मरान है ना, जाहिल बेवकूफ, जाहिल जिसे कहते हैं इलिटरेट, वो लोग हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। अगर वो देश का जो बच्चा पढ़ा लिखा है, अगर बताइए पढ़ा लिखा होगा वो हर चीज को समझेगा, और समझेगा तो जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ आवाज को बुलंद करेगा। तो वो चाह ही नहीं रहे कि बच्चा पढ़े और हमारे खिलाफ बोले, हम 5-10 साल और हुकूमत करें, इस देश को बर्बाद करें। इस देश की GDP कहां से कहां पहुंच गई है 5.5 साल के अंदर, कहां से कहां पहुंच गया देश? 10 साल पीछे तो हो गया देश। मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया, सिर्फ लोगों पर जुल्म किया जा रहा है। मोदी जी हैं तो GDP बढ़ जाएगी, जब मोदी क्यों होगी? अरे 5-5.5 साल हो गए जनाब, मुझे बता तो दीजिए कहां बढ़ गई। मोदी है तो मुमकिन है उनके लिए है, अंबानी के लिए है मुमकिन, अडानी के लिए है मुमकिन, टाटा बिरला के लिए है मुमकिन, हम गरीबों के लिए नहीं है, हम छात्रों के लिए नहीं है, वो किसानों के लिए नहीं है मुमकिन। क्या लगता है, ये जामिया से जो चिंगारी उठी है पूरे देश में फैल चुकी है, हर यूनिवर्सिटी से अब विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वहाँ की खबरें सामने आ रही हैं, क्या लगता है ये एक बड़ा आंदोलन रूप ले लिया इसने? जी बहुत बड़ा आंदोलन अभी और रूप लेगा ये। कल का जो आंदोलन हुआ जामिया के अंदर, उसके बाद जैसे ही इतला की गई वहाँ के अंदर, जैसे ही AMU के लोगों को पता चला, तो AMU में प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ पर भी यही तानाशाही हुई। उसके बाद आज सुबह दारुल उलूम नदवा जो लखनऊ के अंदर है, वहाँ पर भी प्रोटेस्ट किया गया। उसके बाद जो हैदराबाद के अंदर यूनिवर्सिटी है मानू, मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी, वहाँ के अंदर, वहाँ पे भी हुआ। वहाँ पे टाटा इंस्टीट्यूट है मुंबई के अंदर, वहाँ पे भी इसका विरोध प्रदर्शन हुआ। और कल AMU के अंदर धारा 144 लगा दी गई है, आपको मालूम होगा वहाँ मेरी बहन खुद पढ़ती है। कई जिलों के अंदर धारा 144 लगा दी गई है। तो क्या लगता है, सरकार तो कह रही है ये जो बिल हमने पास किया है, नागरिकता देने का बिल है, ना कि नागरिकता लेने का, खत्म करने का बिल है, तो लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? लोग क्यों परेशान है, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। मैं एक चीज यही पूछना चाहूंगा आपसे, आपने एक अमित शाह का सुना होगा बयान, उन्होंने कहा है लोकसभा के अंदर कि हिंदू शरणार्थी, जैन शरणार्थी, बुद्ध शरणार्थी, सिख और ईसाई, उसके अलावा उन्होंने मुस्लिम का नाम नहीं लिया। मैंने बकायदा पूरी वीडियो देखी है, तो उसमें दोनों मर्तबा उन्होंने बड़े जोर पुरजोर तरीके से कहा है, उन्होंने मुस्लिम का नाम नहीं लिया। फिर बाद में कहते कि मुस्लिम को दिक्कत नहीं, अरे आप पहले तो बता दीजिए कि आप मुस्लिम का तो नाम ले नहीं रहे, और ऊपर से बाद में कह रहे हैं कि मुस्लिम उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। इस देश के मुसलमानों को क्या खतरा हो सकता है इस बिल से? खतरा ये हो सकता है, चलिए मैं एक सवाल पूछता हूँ, वो कहते हैं 1970 के दस्तावेज हमें दिखा दो, आप यहाँ के नागरिक हो जाओगे, ठीक है बात मानते हैं आप। तो एक बात बता दीजिए, जब राफेल का मुद्दा उठाता तो उनके तो दस्तावेज पार्लियामेंट के अंदर तो थे नहीं,
तो यहाँ पर 1970 से पहले के कहाँ से दस्तावेज आ जाएंगे? फाइल चोरी हो गई जी, बताइए ना मुझे रक्षा मंत्रालय से, जहाँ सरकारी, जहाँ पर इतनी फोर्स तैनात है वहाँ पर उनकी सरकारी फाइल मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर तो इतने, अब बताइए यहाँ पे कितने गरीब लोग हैं, उनकी झुकी जोड़ी है, वहाँ पर सैलाब आ जाता है, आग लग जाती है, वहाँ पर वो सब गायब हो गया, वहाँ सब जल जाता है। जामिया में कुछ छात्र हैं जो, और कुछ वहाँ के लोग हैं, वो कपड़े उतार कर इतनी ठंड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए, वो इसलिए कर रहे हैं कि वो अपने हक की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, क्यों इन जालिमों के खिलाफ जो हम पर जुल्म कर रहे हैं। अगर ये नहीं किया जाएगा तो ये हम पर और 5-10 साल हुकूमत करेंगे और हमारा देश और बर्बादी की तरफ जाएगा, हमारे देश का जो मुस्तकबिल है वो और ख़त्म होता हुआ जाएगा। मोदी जी का कल का एक बयान है, उन्होंने कहा है कि जो देश की जो छवि ख़राब कर रहे हैं, जो दुनिया में छवि जो खराब हो रही है, वो कुछ लोग हैं और उनके कपड़ों से हम पहचान सकते हैं। मोदी है, कुछ लोग नहीं है, आप उससे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए कि बात आप सुन क्यों नहीं रहे? देखिए, ये आप बेहतर जानते हैं कौन कर रहा है, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, सबको दिख रहा है, पूरे आलम को दिख रहा है, पूरे जहाँ को दिख रहा है कि क्या हो रहा है, मोदी सरकार क्या कर रही है, सामने आता है और सरकार का विरोध करता है। सरकार को यही चीजें नागवार गुजरती है। उसने कहा कि सरकार ने जो जिस तरीके से पुलिसिंग लगाई है लोगों के पीछे, बच्चों के पीछे, उसका एकमात्र रीजन यही है कि बच्चे विरोध के स्वर जो बच्चों के हैं वो तेज होते जा रहे हैं। जी, तो आगे आप लोग करने क्या वाले हैं? आगे हम लोग ये शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि सरकार ने हमें अधिकार दिया आर्टिकल 19 के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्वतंत्रता का अधिकार है और अभिव्यक्ति की हमें अपनी आजादी है। तो सिर्फ हम अपनी अभिव्यक्ति को माध्यम कर रहे हैं और यह सिर्फ हम सरकार का विरोध करना चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते, और चाहते हैं कि NRC और CAB को खत्म किया जाए, ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों ही सदनों में यह बिल पास हो चुका है। अब यह बात यदि हम लोग आगे नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा, बताइए आप? नहीं तो सरकार का कहना है कि NRC जो और जो CAB बिल आया है वो नागरिकता देने का, ना कि नागरिकता खत्म करने का है। लेकिन उसमें सिर्फ एक पार्टिकुलर कमेटी को काउंटर क्यों किया गया, सवाल मेरा ये है, वो तो सभी के लिए बराबर होना चाहिए ना, क्यों माइनॉरिटीज में भी एक ऐसी कम्युनिटी इन लोगों ने चुनी कि इन्हें बाहर कर दो इससे, उनमें फिर हिंदुओं को भी शामिल करो, उनमें सिखों को भी शामिल करो, बौद्ध, पारसी, जैन सभी को शामिल करो ना, दिक्कत तो सिर्फ ये है। और इस बात को सिर्फ वो लोग समझते हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और फिर इतने शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करने के बावजूद भी उन्हें मारा जा रहा है, लाठियां बांधी जा रही है, तो इसमें गलती बताइए उन छात्रों की है या सरकार की है या बिल बनाने वालों की? कहना कि उग्र आंदोलन तो छात्रों ने शुरुआत करी, तभी ये नौबत है। कोई ऐसी वीडियो मुझे दिखा दें जिसमें पहले छात्र ने पत्थरबाजी करी हो, पहले छात्र ने लाठियां बजाई हो, छात्र ने गाली दी हो, सब कुछ पुलिस वालों की प्लानिंग है। और एक वीडियो ऐसी वायरल हुई है जिसमें कार को, बस को आग लगाई जा रही है, तो क्या वो यूनिफॉर्म पहने हुए भी छात्र था? वो तो छात्र नहीं था, वो तो पुलिस थी, तो उन्होंने क्यों बस में आग लगाई? पुलिस उस वीडियो की सफाई दे रही है कि वो बुझाना चाहते थे उसमें आग। उसकी बोतल यदि आप देखोगे, पानी का रंग इस तरीके का नहीं होता जिस रंग का वो है, ऑरेंज कलर की बोतल के अंदर वो पानी है तो पानी नहीं है, वो क्या है? वो कोई ऐसा लिक्विड है जिससे आग लगती है। तो क्या ये जो पूरा मामला हुआ, ये दिल्ली पुलिस का पूरे से प्लानिंग थी? देखो, पुलिस का प्लान तो साफ नजर आता है जिस तरीके की वीडियो आई है, लेकिन इसके पीछे हाथ किसका होगा? पुलिस दिल्ली पुलिस सेंट्रल के अंडर में है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें डायरेक्टली हैंड है और सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी प्लानिंग है। पुलिस वालों का क्या, उनको तो ऑर्डर फॉलो करने हैं, तो ऑर्डर जिस व्यक्ति के है इनके पीछे, ये हाथ सिर्फ उसका है, ये पुलिस वालों की भी गलती है। और जिन पुलिस वालों को ये लोग, जो पुलिस वाले जिनको सपोर्ट करते हैं, पुलिस वाले जिन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी सारी गलती है। क्या लगता है ये जामिया की चिंगारी पूरे देश में फैल गई, जैसे देखा जा रहा है AMU में बड़ा प्रोटेस्ट हुआ रात भर? देखो वहाँ पर भी देखिए, छात्रों का कोई धर्म नहीं होता, छात्र सिर्फ नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाते हैं। छात्र चाहे AMU के हों, चाहे जामिया के हों, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी के हों, ठीक है, छात्र चाहे JNU के हों, ये सभी छात्र एक होंगे और इस आवाज को और ज्यादा बुलंद कर आगे दिखाएंगे। कुछ लोगों का आरोप है कि ये छात्र पढ़ने आते हैं या राजनीति करने आते हैं? यहाँ राजनीति की बात नहीं है, सरकार की यदि आप आलोचना कर रहे हो, सरकार यदि कोई गलत काम कर रहे हैं, सरकार की आप आलोचना कर रहे हो, तो ये राजनीति थोड़ा ही ना हो, ये राजनीति नहीं है, ये सिर्फ अपने आवाज को उठाने का एक तरीका है और अपने अधिकारों को बुलंद करने का एक तरीका, ये राजनीति नहीं है। क्या लगता है बिना BC के या वहाँ के रजिस्ट्रार के बिना कैंपस में पुलिस जा सकते हैं, ऐसा कोई प्रावधान है जैसे आरोप लगा रहे हैं?
ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। आप अपने घर का दरवाजा बंद रखो और कोई भारी व्यक्ति आपके घर में आना चाहे तो आपकी परमिशन के बगैर क्या आपके घर में आ सकता है? वो कभी नहीं आएगा आपके घर में। इसी तरीके से यूनिवर्सिटीज भी हैं, ये बड़ा इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कोई यदि आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर आना चाहता है वो भी कोई बड़ी तादाद में, तो पहले परमिशन ली जाती है और यहाँ जाहिर सी बात है कोई किसी तरीके की परमिशन नहीं ली गई है। और आपका आपके जो वीसी है वो क्यों आपको पिटवाना चाहेंगे? देखने वाली बात तो ये भी है, अंदर घुसकर मस्जिदों के अंदर जिस तरीके से मारा गया है स्टूडेंट्स को, लाइब्रेरी के अंदर से खदेड़ा गया है, क्या ये सही है या गलत? तो सरकार से मेरा सिर्फ यही सवाल है कि जो सीएबी है और एनआरसी है इसको समाप्त किया जाए, नहीं तो बच्चे विरोध करना बंद नहीं करेंगे। सरकार हमारी आवाज़ नहीं दबा सकेगी क्योंकि हम एक दो आदमी नहीं है, हम लाखों करोड़ों की तादाद में बाहर निकलेंगे। यूनिवर्सिटीज भारत के अंदर और भी हैं, वो तरीका हमारा यही रहेगा, लेकिन हम हिंसात्मक तरीका नहीं अपनाएंगे। हम सिर्फ प्रोटेस्ट करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। हिंसा करने वाले लोग अलग हैं, वो अराजकता फैला रहे हैं, हम उनसे अलग हैं। क्या ये जो पूरा आंदोलन हुआ है कल का, जो इसे क्या दिल्ली चुनाव से जोड़ के दे सकते? दिल्ली चुनाव से इसे जोड़ के नहीं दे सकते क्योंकि दिल्ली सरकार निष्पक्ष रूप से काम करती है। दिल्ली सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं है और ना ही दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अंडर में आती है। दिल्ली पुलिस सेंट्रल सरकार के अंदर में आती है, तो केंद्र सरकार इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार जो है वो केंद्र सरकार है, ना कि दिल्ली सरकार। लेकिन मनोज तिवारी तो आरोप लगा रहे हैं कि ये आम आदमी का जो विधायक है उन्होंने करवाया। मनोज तिवारी का तो काम ही यही है, मनोज तिवारी का काम सिर्फ आरोप लगाना है, आरोपी की जांच पड़ताल करना उनका काम नहीं है। अभी भी कोई ऐसा बयान आप उठा के मुझे मनोज तिवारी का दिखा दिए जो पूरी तरीके से ये साबित कर सके कि हाँ मनोज तिवारी ने ये बात सही कही। मनोज तिवारी ऐसे फंक्शन में चले जाते हैं, अभी आपको एग्जांपल बताता हूँ, सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन होना था, मनोज तिवारी वहां पहुंच गए, तो क्या उनको वहां पहुंचना चाहिए था? इसी तरीके का कोई निमंत्रण पत्र नहीं था, कुछ नहीं था, वो वहां पहुंच गए, तो उनके जो बयान है वो सिर्फ पॉलिटिक्स से रिलेटेड राजनीति से संबंधित है, वो किसी भी आम आदमी से संबंधित नहीं है। क्या लगता है एक बयान और लास्ट आखिरी सर, कल पीएम मोदी का बयान आता है कि देश की बदनामी हो रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये कौन लोग हैं जो बदनाम करना चाहते हैं? उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। पीएम मोदी से इशारा था उनका, इशारा वही जामिया से पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, और अधिकतर जो जामिया के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं अधिकतर वो उनकी तरफ निशाना था, कपड़ों से निशाना सिर्फ उनकी तरफ है। लेकिन मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये तरीका गलत है? बच्चों को इस तरीके से बिहेव किया जाता है? वो पढ़ने लिखने वाले बच्चे, वो छात्र बच्चे हैं जो कलम उठाकर देश की रक्षा देश की सेवा करने की बात करते हैं, लेकिन आपने उन पर लाठियां बांधी हैं। तो मेरी सरकार से सवाल है कि किस तरीके का आरोप लगा रही है सरकार बच्चों पर और वो क्यों ऐसे जुर्म बच्चों के साथ कर रही है? पुलिस का कहना यह है स्थिति को काबू में करने के लिए बल का प्रयोग किया गया। तो क्या सभी बच्चे ऐसे होते हैं? उसमें कुछ अराजक तत्व हुए, आप उनको ढूंढिए और आप उनको मारिए, हम ये मना नहीं कर रहे। जितने भी बच्चे हैं शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, वो कुछ अराजक तत्व थे, उनसे उन बच्चों को लेना कुछ नहीं है। आप क्या मांग आखिरी सवाल पे? मेरी मांग सिर्फ यही है, हम लोग इस चीज का एनआरसी हो या कैब हो इसका विरोध सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि इससे किसी एक कम्युनिटी को नुकसान हो रहा है और किसी एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, तो इस कम्युनिटी को टारगेट नहीं करना है इसको, क्या किसी को भी नहीं करना है।